मैं तो बस आपके बारे में बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन। क्या पता आपका भाग्य अच्छा हो और क्या पता बुरा भी। अब सब आप पर निर्भर करता है। अब अपना मन बना लो। शुक्रिया मिसेस फिजराल्ड, मैं आपकी आभारी हूँ। मुझे यकीन है मेरी किस्मत अच्छी होगी, क्योंकि मेरे पड़ोस में किस्मत बताने वाली जो रहती है। आपने ये सब इसी सीखा होगा ना? जी, 12 साल मैंने यही किया है और उन्हीं दौरान मेरे पति की प्रमोशन भी हो गई। लेफ्टिनेंट क्वार्टर में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और मैंने उनसे ज़्यादा। पर क्या तुम अपना मन बना चुकी हो मिसेस पियर्सन? अब अपना दम कम दिखाओ और फैमिली की बॉस बन जाओ। करने से ज़्यादा कहना आसान होता है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो मेरी ना सुनते हों, चाहे वो सेल्फिश भी हों। ना भी हूँ, पर उनके लिए यही अच्छा है कि वो तुम्हें अच्छे से ढंग से ट्रीट करें। मैं भी यही चाहती हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम्हारे साथ बुरा बनकर किसी का फायदा थोड़ी हो रहा है, ना तुम्हारे पति का, ना तुम्हारे बेटे का और ना तुम्हारी बेटी का। तुम क्या सोचती हो कि ये बहुत अच्छा है? उनके पीछे पीछे भागती रहो, सारा टाइम उनके ऑर्डर लेती रहो, जैसे तुम नौकर हो। रात को तुम हमेशा घर पर रहती हो और वो हमेशा पार्टी में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, जबकि तुम पूरी लाइफ तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, पति बेटा और बेटियों का ध्यान रखना चाहिए। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमसे ज़्यादा जानती हूँ तुम्हारी फैमिली के बारे में। मैं भी उन्हें हिंट देती रहती हूँ कि मुझे इज्जत चाहिए। हिंट? हिंट से कुछ नहीं होगा मिसेस पियर्सन। मैं भी यही सोचती हूँ, पर मुझे घर में बवाल पसंद नहीं है। और सबसे मुश्किल कि शुरुआत कहाँ से करें। मैं हमेशा अपना मन बनाती हूँ कि इस टॉपिक पे बात करूँ, और सबसे मुश्किल यही होता है कि बात कहाँ से करूँ। Oh my God, look at the time. मैंने अभी कुछ तैयार नहीं किया है और ये सभी आते ही होंगे। रुको, उन्हें इंतजार करने दो, यही सही टाइम है अपना दबदबा बनाने का। कर दो काम शुरू अभी से। मिसेस फिजराल्ड, मुझे पता है आप मेरे बारे में बहुत सोचती हैं, पर मैं ये काम नहीं कर सकती और इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली पर दबदबा बनाऊंगी, पर मैं ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मुझे करने दो ये काम। नहीं नहीं मिस फिजराल, थैंक यू सो मच, पर आपके बोलने से कोई नहीं मानेगा और वो इस बात का विरोध करेंगे कि बाहर का कोई हमारी फैमिली में टांग अड़ा रहा है। फिर तो हम फैमिली का दोष भी नहीं निकाल पाएंगे। मुझे पता है ये काम मुझे करना चाहिए, बट सी माई कंडीशन। अरे तुम मेरी बात नहीं समझी। ओह सॉरी, मुझे लगा आप मेरी फैमिली से बात करेंगे। हाँ मैं करूंगी, लेकिन ये बात तुम्हारे रूप में होगी। मैं कुछ समझी नहीं। हम अपनी आत्मा बदलेंगे, तुम मैं बन जाऊंगी और मैं तुम। That's impossible. तुम्हें कैसे पता इम्पॉसिबल है? क्या तुमने ट्राई किया है? नहीं तो। मैंने ट्राई किया है, काफी टाइम हो गया है किए, पर आता मुझे अब भी है। ये इसे सीखा था मैंने। अपने हाथ दो। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अपने हाथ दो, थोड़ी देर शांत रहो और कुछ भी मत सोचो। अष्टता दम अष्टता लम अष्टता दम अष्टता। बात ऐसी है डियर, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये तो सच में हो गया। हाँ जी, और वो भी बहुत आसानी से। मुझे पता ही नहीं चला मैं तुम्हारे अंदर कब आ गई। पर मैं क्या करूं मिसेस फिजराल्ड, जॉर्ज और बच्चे मुझे ऐसा नहीं देख सकते। वो तुम्हें देखेंगे ही नहीं,
मुझे डील करने दो उनसे, तभी काम बनेगा। अगर हम अपनी आत्मा को चेंज ना कर पाए तो क्या होगा? वो मंजर तो बहुत भयानक होगा। शांत रहो मिसेस पियर्सन, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी भी जीनी पड़ गई तो इसमें कोई बुराई नहीं। तुम मेरी जिंदगी में इतने मजे करोगी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, पर मैं किसी और की जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। ओह प्लीज, अब तुम चिंता मत करो, आत्मा बदलना बहुत आसान है। मैं कभी भी ये सब कर सकती हूँ जब तुम चाहो। अभी करो। अभी तो नहीं, जरा हम भी कर ले तुम्हारी फैमिली से बातें। तुम्हें नहीं पता था कैसे शुरुआत करनी है। Now I will show you। पर मुझे क्या करना होगा? जाओ, मेरे घर जाओ, कोई नहीं है वहां पर। थोड़ी देर बाद आना और फिर देखना हम क्या करते मिलेंगे। जाओ जल्दी, अब वो आने वाले हैं। हाँ, मेरा जाना ही ठीक रहेगा। तुम श्योर हो सब सही होगा? यस, सब सही होगा। मॉम, आपने मेरी येलो ड्रेस प्रेस कर दिया ना, मुझे पहननी है वो आज। ये क्या कर रही हैं? तुम बताओ क्या कर रही हो? व्हाइट वॉश कर रही हूँ दीवारों पे। ये देखो, मुझे लगा आप नहीं करते हो ये सब। तुम्हें गलत लगा। हम चाय किचन में पियेंगे, जहां मर्जी पियो। तो आपने चाय नहीं बनाई? तुम्हारी चाय का तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी सारी चीजें ले ली हैं। और शायद आज मैं डिनर भी बाहर ही करूं। कौन जाएगा बाहर? आओ। हाँ, हम जाएंगे, तुम्हें क्या लगा? मॉम, व्हाट्स द मैटर विद यू? ओह, डोंट बी सिली। मैं पागल नहीं हूँ, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। मैं सारा दिन इतनी मेहनत कर रही हूँ और आपने मेरे लिए एक चाय बनाना जरूरी नहीं समझा? क्या आपने सुना मैंने क्या बोला अपनी ड्रेस के बारे में? नहीं, मैंने नहीं सुना, और ना ही मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद है, इसलिए मैंने प्रेस नहीं की। पर मुझे तो पसंद है ना, और मैं पहन रही हूँ आज, तो मुझे मेरी येलो ड्रेस प्रेस चाहिए। तुम्हें प्रेस चाहिए ना ड्रेस पे? अपने आप तो हो नहीं जाएगी। आप करते तो हो मेरे कपड़ों पर प्रेस। पर आज से नहीं करूंगी, और मेहनत के बारे में तो तुम रहने ही दो। मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करती हो, मिस डोरिस पियर्सन। तुमसे दो गुना ज्यादा काम करती हूँ मैं, और मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है, और ना ही कोई थैंक यू। येलो ड्रेस क्यों डाली है तुम्हें? मैं 40 पेंस के साथ जा रही हूँ। क्यों? क्यों? क्या हुआ है मॉम आपको? मैं 40 पेंस के साथ क्यों नहीं जा सकती? उसने मुझे पूछा है और मेरा मन भी है। एनी ऑब्जेक्शंस? तुम्हें कोई ढंग का बंदा नहीं मिला क्या? मैं उस लंबे दांत और आधे पागल को देखना भी नहीं चाहती। शट अप मॉम। हाय मॉम, चाय तैयार है माँ? नो। Why not? मुझे परेशान मत करो। क्या बात है माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली। पर ये आप कर के रही हो? क्या कर रही हूँ, दिख नहीं रहा? बुक रीड कर रही हूँ। माँ प्लीज, चाय जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है ना। हाँ है, पर मेरे पास नहीं है। आज रात मुझे बहुत जरूरी काम है, ठीक है? और हाँ माँ, आपने मेरा सामान पैक कर दिया ना? हाँ कर दिया होगा, याद दे मुझे। माँ मेरी बात सुनो, मेरी आपसे आज मॉर्निंग में बात हुई थी ना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा सामान चेक करोगे, अगर उन्हें मेंडिंग की जरूरत है वो भी करोगे। हाँ किया होगा प्रॉमिस, लेकिन आज से मैंने डिसाइड कर लिया है, ना ही मैं कपड़ों को तय करूंगी और ना ही मेंडिंग करूंगी। माँ ये अच्छा तरीका आपका बात करने का, अगर हम भी ऐसे बात करने लगे तो? हाँ, तुम तो जैसे बहुत अच्छे से बात करते हो ना। माँ मैं समझा नहीं, आखिर चल क्या रहा है? बदलाव चल रहा है। क्यों, कीनी प्रेस येलो ड्रेस? और वैसे भी कितनी भद्दे दिख रही हो।
ऐसा चेहरा लेकर तो मैं 40 पेंस से मिलने भी ना जाऊँ। उस शायद आप अबाउट 40 पेंस मॉम, और अभी तो मैं पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई हूँ, और अगर मैं भद्दी लग रही हूँ तो इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। शराब क्या हुआ डोरिस, माने क्या किया? सिरिल तुम बीच में मत आओ। सिरिल बियर की बॉटल पड़ी है, ठीक है 2 बोतल बची है, पर आपको तो भी चाहिए ना? मुझे चाहिए। किस लिए? पीने के लिए बेवकूफ। हम तुम्हारे साथ भी ऐसे बिहेव कर रही है क्या? हाँ, उन्होंने मुझे पहले चाय भी नहीं दी और वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। शुक्र है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बिहेव कर रही है, नहीं तो मुझे लगा मुझसे ही कोई गलती हुई है। हाँ मैंने भी यही सोचा था, पर गलती हमारी नहीं उनकी है। आज पता नहीं वो अजीब सा बिहेव कर रही हैं, और इसीलिए मुझे रोना आया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा, पर जिस तरीके से कहा और जिस तरीके से मुझे देखा, आई कैन इवन एक्सप्लेन। ये तो मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे तो जैसे हैं वैसे ही लग रहे हैं। मेरा मतलब है उनके सर पे चोट तो नहीं लगी? तुम्हारा मतलब माँ पागल हो गई है? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि एक बीमारी भी तो होती है जो सर पे चोट लगने से हो जाती है, कॉन्कशन, उनको वही हुआ होगा। विश्वास नहीं हो रहा। जहाँ तक मेरा मानना है यही हुआ है उनके साथ। तो अब क्या होगा? पापा के साथ भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। फिर तो मैं पहली सीट पर बैठकर ड्रामा देखूंगा और मुझे पूरा मजा आएगा। पिछड़ो छोड़े, बच्चे हो गया, समझ में नहीं आता कैसे बात करनी है, बात करने की तमीज भी नहीं है, ते बड़े हो गए हैं। माँ अब हम हंसे भी ना। अच्छा ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है, मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा हंस लूं। मॉम आप हमारे जोक्स नहीं समझोगे। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से मैं ये जोक सुनती आ रही हूँ, और मुझे इन जोक्स पर हंसी नहीं उबासी आती है। आप इतने गंदे तरीके से क्यों बात कर रही हैं? हमने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों ना करूं? आते हो, चीजें मांगते हो, चले जाते हो और फिर आ जाते हो, जैसे किसी और को तो कहीं बाहर जाना ही नहीं होता। माँ अब आपने मुझे चाय नहीं दी ना, तो मैं खुद ही किचन में कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। हाँ जाओ ना, बनाओ और खाओ। आपसे मतलब? मैं सारा दिन काम करता हूँ। मैं भी। 8 hours a day। Yes, 8 hours a day, and don't forget it. मेरे 8 घंटे तो पूरे हो गए। माँ आपका काम अलग है। सही कहा भाई तुमने। हाँ अलग था, लेकिन अब नहीं। अब मैं 40 घंटे एक हफ्ते में काम करूंगी और वीकेंड्स पर छुट्टे। अब मेरे से यहाँ नहीं रहा जा रहा, मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। मैं चलता हूँ। जाओ, रोका किसने है? मॉम इसका मतलब आप सैटरडे और संडे को कुछ काम नहीं करोगे? नहीं, मैं इतने भी बुरी नहीं हूँ। अगर मेरा दिल किया तो मैं बेड तय कर दूंगी, और हाँ कभी कभी किचन में काम भी करवा दूंगी, और वो भी तब जब मुझे प्यार से कहोगे और हर काम के लिए बढ़ा चढ़ाकर थैंक यू और मेरी तारीफ करोगे। तुम वीक में 40 घंटे काम करते हो और मैं सारा दिन सैटरडे और संडे को भी काम, और वो भी बिना तारीफ के। मुझे बहुत दुख होता है, पर अब वीकेंड पर काम बंद, मैं छुट्टी पर जाऊंगी। आप छुट्टी पर जाओगे? क्यों नहीं, मुझे भी बदलाव चाहिए। हर दिन के बाद काम, हर हफ्ते के बाद काम, यहाँ पर फंसी रहती हूँ। अगर मुझे बदलाव नहीं चाहिए तो और किसे चाहिए? आपकी बात अलग है मॉम। कुछ अलग नहीं है, बस फर्क इतना है मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और अपने काम को बेहतर जानती हूँ, ठीक है? और तुम हो जिसे मुझसे पूछकर काम करना चाहिए, मैं नहीं। आप कहीं गिर विर गए हो क्या? आपके सर पर चोट आई है? मुझे तो नहीं लग रहा, पर मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी किसी चीज से अगर दोबारा से ऐसे क्वेश्चंस किए। ये बहुत गलत है मॉम। ये रोना धोना बंद करो, छोटे बच्चे हो क्या? अगर तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि 40 पेंस के साथ घूमने जा सकती हो, तो थोड़ी अकल भी सीख लो। चुप करो। कैसे हो डोरिस बेटा? क्या हुआ, मुझे रोने की कोई वजह नहीं दिख रही। आपको दिख जाएगी। स्नेहा की दिख जाएगी अभी? क्या मतलब है इसका कि दिख जाएगी अभी?
अच्छा होगा आप उसी से पूछ लें। तुम बियर पी रही हो? तुम किस खुशी में बियर पी रही हो? बियर पीने के लिए कोई खुशी नहीं चाहिए, और वैसे भी बियर मुझे पसंद है। और वो भी इस वक्त? क्यों, इस वक्त बियर पीना क्या गलत है? नहीं नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें कभी दारू पीते नहीं देखा तो इसलिए। तो अब देख लो। हाँ देख ही रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे ये सब पसंद भी नहीं, और ये सब सही भी नहीं लगता। तुम जैसों के लिए ऐसा बदलाव जरूरी है। क्या 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 मतलब कि बदलाव जरूरी है? यही कि काफी वक्त हो गया मैंने तुम्हें सरप्राइज नहीं दिया ना। ओह प्लीज, तुम्हें पता है कि मुझे सरप्राइज नहीं पसंद, ठीक है ना? और तुम्हें ये भी पता है कि मैं कितना शांत इंसान हूँ। और हाँ, तुम्हें बताना भूल गया था, मुझे सुबह चाय नहीं चाहिए, और रात को स्नूकर मैच है तो खाना बाहर ही खाऊंगा, सो नो डील। अच्छा है, वैसे भी मैंने चाय नहीं बनाई। क्या 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 मतलब कि तुमने चाय नहीं बनाई? हाँ नहीं बनाई, तुमने चाय नहीं पीनी है तो अच्छा ही हुआ मैंने नहीं बनाई। तुम्हें तो पता है कि मुझे सुबह चाय चाहिए होती है। ओ माय गुडनेस, जरा देखो इस आदमी को, ये इस बात के लिए झगड़ा कर रहा है जो इसे पीनी भी नहीं है। जरा ये सब चीजें ना बार में ट्राई करना। क्या मतलब कि जाके बार में ट्राई करूं? हां बार जाओ और उनको बोलो तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए, और बाद में उन्हीं पर चिल्लाओ कि तुम्हें बियर का ग्लास क्यों नहीं दिया। जाओ जरा करो ट्राई। एनी प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बातें कर रही हो। वो तुम पर बहुत हंसेंगे, बहुत ही ज्यादा। वो मुझ पर हंसेंगे, रहने दो तुम, ठीक है ना? ऑफ कोर्स हंसते हैं, मुझे लगा था तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि वो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें पॉम्पी योम्पी पियर्सन कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है तुम बहुत स्लो हो और बहुत शॉफ भी करते हो। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? मैंने भी यही समझा था, कोई इंसान एक ही जगह इतना टाइम कैसे बिता सकता है? अपनी पत्नी को घर छोड़ जाता है और चला जाता है उस बाद में, ऐसा नहीं है कि अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाए, जो इसे पागल नहीं समझती है। लो सिरिल भी आ गया। सिरिल बेटा, तुम तो मेरे साथ एक दो बार क्लब में गए हो ना, है ना? क्या क्या बताओ तुम इन्हें जरा, क्या वो मेरा मजाक उड़ाते हैं? क्या मुझे वो पॉम्पी योम्पी पियर्सन बुलाते हैं? बताओ अपनी मॉम को, बताओ प्लीज। अरे शर्माओ नहीं, बताओ बताओ ना कि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी पापा, उड़ाते हैं। सुन लिया? ये बहुत बुरा है, और चौंकाने वाला भी मैं जाता हूँ। तुम जैसे के लिए ऐसा होना जरूरी है। माँ, आपको पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मेरी और पापा दोनों की फीलिंग को हर्ट किया है। कभी कभी लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना जरूरी होता है, और आखिर सच्चाई कब तक छिपेगी? और तुम्हारे पापा होटल जाते ही क्यों हैं? उन्हें पता उनका मजाक उड़ाया जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें लगता हो या ना लगता हो, पर सच्चाई यही है। और तुम क्या करते रहते हो सारा दिन? पैसे वेस्ट करते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो माँ मुझे मजा आता है इस काम में, आप कहते तो ना करूं। से बकवास मत करो। ओहो माँ, ये तो पागल बूढ़ी औरत मिसेस फिजराल है, आप चाहते हैं वो अंदर आए? एक्सक्यूज मी, बूढ़ी औरत? उन्हें बूढ़ी मत बोलो, वो अभी भी बहुत जवान है, बुलाओ उन्हें अंदर। आइए मिसेस फिजराल। मैं तो बस ये देखने आई थी, सब सही है ना? कुछ भी तो सही नहीं है। सब सही है, तुम चुप रहो सिरिल। मैं क्यों चुप रहूं? क्योंकि मैं बोल रही हूँ, बदतमीज औलाद, न मजा न स्वाद। अरे नहीं, पक्का सब ठीक है ना? मेरी फैमिली है, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। हाँ पर सिरिल। मिस्टर सिरिल पियर्सन, आप रहने दे मिसेस फिजराल। ओ डियर, ये क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं,
बस उनको उनकी औकात दिखा रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले दिखा देनी चाहिए थी। क्या जॉर्ज घर पर है? हाँ है, और मैंने उन्हें सब बता दिया है कि लोग उनके बारे में क्लब में क्या सोचते हैं। क्लब में लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लब में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ओ डियर, ये सुनकर तो उनका बहुत दिल दुखी हुआ होगा। तुम चुप रहो, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तुम देखना, अभी सभी लोग तुम्हारे इशारे पे नाचेंगे। पर मुझे पसंद नहीं कि वो सब मेरे इशारों पर नाचें। अच्छा ठीक है, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारी बात माने, तुम्हारा कहना माने, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप तो एक दो मिनट के लिए आई होंगी, है ना मिस फिट्ज़रॉय? यस जॉर्ज। जॉर्ज? ओह आई एम सॉरी। इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है ना, और तुम क्या समझते हो तुम ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो क्या? इससे ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का क्या लेना देना है? बताओ सर, बताओ मुझे, मुझे इनका जॉर्ज इतना बुरा नहीं लगा जितना तुम्हें मुझे सुनाना बुरा लगा। पॉम्पी ओम्पी पियर्सन चाय भी नहीं बनाई, और डॉरिस अभी तक रो रही है आंखें फाड़ फाड़ के। ओ डियर, काश मुझे पहले पता होता। क्या पता होता और क्यों पता होता? आपका इन सब चीज से क्या लेना देना बताइए। देखिए मिस फिट्ज़रॉय, प्लीज प्लीज चली जाइए यहां से, माफ कर दीजिए हम लोगों को प्लीज। एक्सक्यूज मी, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी मिस्टर जॉर्ज। तुम ऐसे कैसे किसी से बात कर सकते हो? आगे से कोई दोस्त या पड़ोसी घर में आए, या तो उन्हें गुड इवनिंग बोलो या अच्छे से बात करो, ऐसे नहीं कि आगे बैठ जाओ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इंसान को मैनर्स भी होने चाहिए। मुझे पता है मैनर्स क्यों नहीं है। क्यों नहीं है मैनर्स मुझ में बताओ? तो क्लब क्यों नहीं जाते हो? आज तो तुम्हारी स्पेशल नाइट है ना, जाओ अपना मजाक उड़वाओ। उड़ा लो मेरा मजाक। नीचा दिखाना चाहती हो ना सबके सामने, दिखाओ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार मेरा मजाक उड़ाओ, समझी तुम? पड़ोसियों के सामने तुम्हें तमाशा करने में मजा आ रहा है ना? बनाओ बनाओ बनाओ, और सुनने दो इनको भी हमारा ऐसे घर का तमाशा, समझी? जॉर्ज, तमीज से बात करो। क्यों क्यों बात करो तुमसे तमीज से? हाँ सुनने दो इनको भी ये सारा तमाशा। What's the matter with you, हाँ? पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर दोबारा से मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो थप्पड़ मार दूंगी तुम्हारे मोटे और भद्दे चेहरे पर। अरे नहीं नहीं मिसेस फिट्ज़रॉय। फिट्ज़रॉय, या तो मेरा दिमाग थम गया या मैं पागल हो गया हूँ। मिस फिट्ज़रॉय, अब अपने आप को चुप कैसे करा सकती हैं? आपने तो कुछ किया भी नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा प्लीज, और चुप कराइए इस बददिमाग बेवकूफ औरत को। क्या बोले, दोबारा बोलना। ऑलराइट, मजाक कर रहा था मैं तो। हेलो डॉरिस डियर। हेलो मिसेस फिट्ज़रॉय। मुझे लगा आज तुम चार डिस्पेंस के घर गई थी। आपको इससे क्या लेना देना? तुम चुप करो। अरे नहीं ठीक है। नहीं ये ठीक नहीं है, और मुझे ऐसी बेटी की जरूरत नहीं जो ऐसे बात करती हो। और आप अच्छे से बात कीजिए मिसेस फिट्ज़रॉय से, और तुम ऊपर चलो। मेरी तरफ मत देखो, मैं हार गया हूँ। आई जस्ट गिव इट अप। जवाब दो मिसेस फिट्ज़रॉय की बातों का। मैं जाने वाली थी 40 पेंस के साथ, पर अब नहीं, मैंने मना कर दिया उसे। ओह ये बहुत दुख की बात है, तुमने मना क्यों कर दिया? क्योंकि मेरी मॉम ने मेरा दिल दुखाया है। वो बोलती है 40 पेंस के दांत लंबे हैं और वो आधा पागल है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मिसेस फिट्ज़रॉय, तुम अपनी फैमिली देखो, मैं अपनी फैमिली संभाल लूंगी। तुम संभाल लोगी? तुम्हें फैमिली को संभालना आता है मिसेस एनी पियर्सन? जॉर्ज, तुम्हें पता है ना क्लब में तुम्हारा लोग इंतजार कर रहे हैं, जा और अपना अच्छे से मजाक उड़वाओ। बस बहुत हुआ, आप दोनों सुनो, मैं और मिसेस फिट्ज़ कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँगी अगर आप कुछ समय हमें अकेले में बात करने दें।
मिसेस विजराल, ये सब बहुत हुआ, अब हमें खुद को चेंज कर लेना चाहिए। क्यों? मुझसे ये सब और नहीं देखा जा रहा। थोड़ी देर और रुक जाओ, इन्हें सबक मिलना चाहिए। नहीं मिस विजराल, प्लीज जल्दी चेंज करो। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, आओ। अष्टाटा दम अष्टाटा, अष्टाटा दम अष्टाटा। सच बताऊं तो मुझे बहुत मजा आया। पर मुझे नहीं आया। पर तुम्हें भी आना चाहिए था, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अब सॉफ्ट मत बन जाना, वरना तुम सब के किराए पर पानी फेर दोगी। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए उनको सबक सिखाना जरूरी था। और हाँ, अब तुम उनके सामने अपॉलोजी मत करने लग जाना, वरना तुम सबके किराए पर पानी फेर दोगे। उनके साथ टफ रहना, ये काम जरूर करेगा। पर कैसे? तुम चाहती थी ना वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें। हाँ चाहती तो थी, पर ये सब सिर्फ फेस्टिवल्स पर ही मुमकिन हो पाता था। घबराओ मत, अब वो तुम्हारी सभी बातें मानेंगे। आ जाओ तुम सब, मैं जा रही हूँ। रिमेम्बर दैट, टफ रहना, ये काम जरूर करेगा। मम्मा लगता है तुम लोग अब बाहर तो जाओगे नहीं। मैं बताती हूँ हमें क्या करना चाहिए। रिमेम्बर, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। पहले हम ताश खेलेंगे और उसके बाद तुम दोनों जाकर खाना बनाओगे और मैं और तुम्हारे पापा बातें करेंगे। ये आइडिया बिल्कुल मस्त है, ये ठीक रहेगा। क्यों बच्चों, है ना? हाँ पापा, जैसा आप दोनों कहें। मैं भी। क्या मैं भी? मेरा मतलब हाँ, ये आइडिया मस्त रहेगा। आओ।